इंद्री के वार्ड नंबर 9 में स्थित शोरगिर मोहल्ले में देर रात तो परिवार में हुई मामूली कहासुनी ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि इसमें एक नवयुवक की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। एसएफएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर तथ्य जुटाए और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी सतप्रकाश ने बताया कि शोरगिर मोहल्ले में रहने वाले करण पुत्र सतपाल की कल रात किसी बात को लेकर अपने पड़ोसी लव के साथ कहासुनी हो गई थी। करण के पिता ने लव को रोकने का प्रयास किया, लेकिन लव ने गुस्से में आकर करण को ईंट मार दी। करण के परिजन उसे सरकारी अस्पताल ले गए, जहां से उसे करनाल रेफर कर दिया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सतप्रकाश ने बताया कि सुबह ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिली। मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी का पूरा परिवार फरार है। क्या मामला है? रात लड़ाई हो रही थी। अच्छा जी। राधा तबाही हो रही थी और पीछे से ईंट मार के उसके सिर में। अच्छा। बस ये बात थी। और किस वजह से हुई लड़ाई? वो उन्होंने नशे रखे थे छोकरे ने। अच्छा। ज्यादा नशा कर रखा था ना पूरा सारी रात लड़ता रही। और रात 10 बजे स्टार्ट हुआ था, 2:30 बजे तक लड़ता रही। शोरगिर इसका इसने करण को जिसकी डेथ हुई है उसके सर में ईंट मारी, एक ही चोट है। और इसके जो सिर में ईंट लगने से फिर इसके परिवार वाले इसको इंद्री हॉस्पिटल में ले गए। इंद्री में डॉक्टर साहब ने इसको रेफर कर दिया कल्पना चावला के लिए करनाल। जब ये रास्ते में जा रहे थे जैनपुर के पास, फिर इसकी डेथ बता रहे होगी उसको, फिर ये हॉस्पिटल ले गए करनाल, एक दो जगह और ले गए, फिर ये वापस अपने घर ले आए। हमने तो करीब 8:15 बजे सूचना मिली, मुकदमा दर्ज कर दिया जिसमें 302 का। लड़ाई के तो ये आपस में चाचा ताऊ के हैं, नज़दीक नज़दीक मकान है। ये जो हमलावर है, जो ये लड़का है लव, ये शराब पी रहा था, ये गाली गलौच कर रहा था। इसके भाई करण के फादर ने इसको ये कह दिया कि भाई इसको काफ़ी गाली जो दे रहा है। इस पर इसने लव ने जैसे करण का फादर है पाला राम उसको लात लूत मारी। फिर इसका लड़का करण भी आ गया तो इसने ईंट उठा के मारने शुरू कर दिया। आरोपी सारा परिवार ही रात को आ गया। फसल की टीम आई है, मौका मुआयना करके डेड बॉडी हमने करनाल भेज दिए सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए।